पिछले एक महीने में ये पांचवा ऐसा आतंकवादी हमला हो रहा है जम्मू एरिया में। हम लोगों ने ये नहीं सोचना चाहिए कि सब कुछ शांत है, ये इलाका दोबारा पाकिस्तान इसको इसलिए मैं कहूंगा एक्टिव करने की कोशिश कर रहा है। जम्मू एपिसेंटर बन गया है, हमारे बीच में भी ऐसे गद्दार लोग हैं, OGWs हैं जो इनके सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान ये हर हमेशा से चाहता रहा है कि जम्मू कश्मीर ये कभी भी स्टेबल ना रहे, और ये सोच करके चलना कि सब शांत है वो नहीं है। अब पाकिस्तान ने सोच लिया कि जम्मू डिवीजन में इस तरह के उग्रवादी लोगों को ढकेला जाए, लेकिन कुछ भी हो आतंकवादी तो पाकिस्तान से ही। पिछले एक महीने में ये पांचवा ऐसा आतंकवादी हमला हो रहा है जम्मू एरिया में। अभी देखिए, यहाँ पर हमें नोट ये करना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में जब भी आतंकवादी हमले होते थे अब तक, वो कश्मीर वैली में होता था, लेकिन अभी जम्मू एपिसेंटर बन गया है। और उसका कारण ऐसा है कि जम्मू के लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया था लोकसभा के इलेक्शन में, अभी असेंबली के इलेक्शन आने वाले हैं, तो लोग खुलकर बाहर आ रहे हैं, वोट कर रहे हैं सरकार के लिए, और एक सरकार वहां पर गठन होगी, सरकार का गठन होगा, ये देखकर पाकिस्तान को कुछ खाना नहीं पत रहा है। और पाकिस्तान ये हर हमेशा से चाहता आ रहा है कि जम्मू कश्मीर ये कभी भी स्टेबल ना रहे, भारत को हमेशा परेशान करने की पाकिस्तान की ये जो जरूरत रही है उसे हमेशा भारत ने नाकाम कर दिया है। जैश ए मोहम्मद नाम का ये आतंकवादी संगठन है, जिसका ये एक कश्मीर टाइगर्स का एक कोई फैक्शन है, वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम कर रहा है। लेकिन कुछ भी हो आतंकवादी तो पाकिस्तान से ही, पाकिस्तान ही इन्हें ट्रेन कर रहा है, पाकिस्तान ही इन्हें हथियार दे रहा है। तो ये जो पूरे टेरर एक्टिविटीज पाकिस्तान कर रहा है, हाँ, हर महीने में ये 4 से 5 टेरर एक्टिविटीज कर रहा है, ये कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए, और इसको कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लगने की बहुत ज्यादा जरूरत है। डोडा एरिया में जहां पर जंगल का इलाका है, रात को स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद वहां पर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जारी किया गया, जहां पर ये मुठभेड़ हो गई, जहां पर 5 हमारे जवान ये शहीद हो गए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, बिकॉज डोडा का इलाका है जो जम्मू डिवीजन का इलाका है, पिछले 20-25 सालों से काफ़ी शांत था, और पिछले ही 2-3 महीनों में एकदम एक्टिव हो गया है। कठुआ में इंसिडेंट हुए, रजौरी में हुए, रियासी में हुए, अब डोडा में दूसरा इस तरह का हादसा हो रहा है। तो ये इलाके जो हैं, हम लोगों ने ये नहीं सोचना चाहिए कि सब कुछ शांत है, ये इलाका दोबारा पाकिस्तान इसको इसलिए मैं कहूँगा एक्टिव करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को कोई सक्सेस वैली में नहीं मिल रहा है, और कश्मीर घाटी के अंदर भी अब लोगों को इस बात का एहसास हो गया है कि जो है डेवलपमेंट के ऊपर जितना सरकार जोर दे रही है, अच्छे रास्ते बन रहे हैं, टूरिस्ट 2 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट जा रहे हैं, और वहाँ पे जिस प्रकार से इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है उसको देखते हुए कश्मीर घाटी में अब शायद लोगों को इस बात का एहसास हुआ है कि मिलिटेंसी से, टेररिज्म से उसको कुछ मिलने वाला नहीं, और पाकिस्तान को भी जो सफलता जो चाहता है वो घाटी में नहीं मिल रही है। और ये जो इलाके हैं, और खासकर अब जब मौसम खराब है, बारिश हो रही है, इलाका बहुत घना जंगल का इलाका है, बहुत सारे उस पर हाइड आउट्स हैं, और लोकल सपोर्ट जो बीच में, हम कुछ भी कहें, हमारे बीच में भी ऐसे गद्दार लोग हैं, OGWs हैं जो इनके सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो मुझे नहीं लगता है जैसे मछली पानी के बिना रह नहीं सकती, वैसे ही ये जो उग्रवादी हैं ये बगैर लोकल सपोर्ट के जी नहीं सकते। तो ये जो उनको सपोर्ट मिल रहा है वो नहीं मिलना चाहिए, जिसके लिए हम लोगों को अपने आंख और कान का जबरदस्त इस्तेमाल करना चाहिए, ह्यूमन इंटेलिजेंस को दोबारा रीएक्टिवेट करना चाहिए। होगा, ऐसे नहीं कि नहीं होगा, पर हमको और ज्यादा जोर देना पड़ेगा, और ये सोच करके चलना कि सब शांत है वो नहीं है। अब पाकिस्तान ने सोच लिया कि जम्मू डिवीजन में इस तरह के उग्रवादी लोगों को ढकेला जाए, और जहाँ पे लोकल सपोर्ट उनको मिल रहा है उसके लिए इनको इस तरह, और अभी आप डोडा में देख रहे हैं उन्होंने समय भी बदल, जितने भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं तकरीबन शाम को हो रहे हैं, जब तक आप उसको रीइन्फोर्स कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, वो जंगलों में जाकर के छुप जाते हैं, और लोकल्स को हैं उनको जगह दिखा रहे हैं कि कैसे भागना है,
किस इलाके से जाना है, तो ये इलाका घना जंगल होने के कारण और बहुत ही मुश्किल इलाका होने के कारण मुझे लगता है अब VDCs जो हैं, अपने SOGs जो हैं, RR के पलटने हैं, वहाँ पे CRPF है, बाकी फोर्सेस हैं, इन सब को मिल करके यकीन करना चाहिए कि इस तरह के हादसे नहीं होने चाहिए। बहुत दुखद समाचार अगर ऐसे सुनने को मिले तो बहुत दुख होता है कि एक अफसर और 3 जवान और कुछ और घायल हो गए होंगे, तो इस तरह का हादसे नहीं होने चाहिए।